हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम आपको सिखाएंगे कि मेहंदी में लगाते टाइम उंगलियों में जो हमारी डिजाइनें होती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, हम उसको कैसे फिल कर सकते हैं ब्राइडल मेहंदी में, या मतलब हैवी मेहंदी में या सिंपल मेहंदी में, और अरेबियन मेहंदी में भी हम ऐसी डिजाइन फिल कर सकते हैं। ये डिजाइन जो हम आपको बताएंगे उसको आप अरेबियन में भी फिल कर सकती हैं, और अगर आप ब्राइडल मेहंदी लगा रही हैं या भरी मेहंदी लगा रही हैं तब भी आप उसको फिल कर सकते हो, ये आगे या पीछे दोनों साइड। कुछ लोगों का होता है, जैसे पसंद होती है उनकी कि अरेबियन मेहंदी लगवाती हैं बट उंगलियों को, पांच उंगलियों को भरवाती हैं, तो हम सारी उंगलियों में मतलब सारी तरह कम से कम आपको 10 तरीके की डिजाइन बताएंगे उंगलियों में भरने के लिए, किस तरीके से हम अपनी उंगली को फिल कर सकते हैं। जैसे हम पूरी ब्राइडल मेहंदी लगा लेते हैं बट हमको हमारी उंगलियां पतली होती है तो हमें समझ में नहीं आता वहां पर कौन से डिजाइन कैसे करें कि मतलब उसके साथ मिलकर और खूबसूरत लगे, तो वही हम आपको आज बताएँगे। आप देख रहे होंगे पहले तो हमने पिक डाल दी है कि किस किस तरीके की हमने डिजाइन बताई है, और सारी डिजाइन हमारी डिफरेंट रहेगी एक दूसरे से। ये आप आराम से आसानी से, और सारी नॉर्मल डिजाइन है, कोई टफ नहीं है, आसानी से आप अपनी उंगलियों में भर सकते हैं। ऐसी डिजाइन हैवी मेहंदी में काफ़ी अच्छी लगती है, जैसे हमारा हाथ भरा भरा होता है तो ये डिजाइनें भी भरी भरी होती हैं। और ख़ासकर हमें मेहंदी में ध्यान रखना चाहिए कि चाहे हम मतलब हाथ पे लगा रहे हैं उंगलियों में या पीछे लगा रहे हैं, मेहंदी में गैप होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई डिजाइन बना रहे हैं और दूसरी डिजाइन को उसी से सटा कर बना देंगे या उसी में मिला कर बना देंगे तो हमारी डिजाइन कभी क्लियर नहीं हो सकती है और ना ही देखने में अच्छी लगेगी। कि हमारी मेहंदी में सबसे ज़्यादा गैप होना चाहिए, जो हमारी डिजाइन हो वो डिफरेंट हो, लगनी चाहिए कि हाँ यहाँ से हमारी दूसरी डिजाइन स्टार्ट है। ये चीज़ ये हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारी मेहंदी खूबसूरत लगेगी, देखने वाले को अच्छी लगेगी और अट्रैक्टिव लगेगी। इसलिए आप लोग ये डिजाइन ज़रूर देखें। आपको सारी चीज़ें शायद क्लियर नहीं अभी आ रहा है, अभी थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा। कैमरे को टच कर रहे थे बट थोड़ा प्रॉब्लम थी आई थिंक। और आप देख रहे हैं कि सेकंड डिजाइन हम लगाने चल रहे हैं, उसमें नॉर्मली हम लाइन खींचेंगे और डिजाइन को बनाएंगे। जैसे कि साड़ी हमारी बनेंगी इसको पूरा देखिए अब किस तरीके से हम फिल करेंगे। एक पहले लाइन खींचेंगे, फिर एक मोटी थोड़ा सा लाइन खींचेंगे मेहंदी से। अगर हमको खींचना हो तो हम मेहंदी पे नहीं कि दोबारा लाइन जैसे इस पे चलाते हैं, इसके से हम नहीं चलाएंगे दोबारा, बल्कि उसी कीप को हम थोड़ा तेज़ी से प्रेस करेंगे ताकि हमारी मेहंदी थोड़ा मोटी निकले और हमारी लाइन अच्छे से कवर हो जाती है, उससे फिनिशिंग भी रहती है और आसानी से लग भी जाती है। फिर इसके बाद हमारा नॉर्मल लाइन रहेगी, फिर एक सिंगल लाइन और रहेगी, फिर हमारा फ्लावर बीच में बनेगा। नॉर्मली फ्लावर जो हम हर आपको सिखा चुके हैं, पहली क्लास में ही फ्लावर बनाना सिखा दिए थे, तो वही नॉर्मल फ्लावर बनेगा। और हमने उस टाइम भी बताया था आपको कि ये फ्लावर काफ़ी जगह यूज़ होते हैं मेहंदी लगाते टाइम, हमें काफ़ी टाइम यूज़ करना पड़ता है इसको, इसलिए ध्यान से देखें आप लोग वीडियो को। और आप लोग को पूरा भी दिखाया जाएगा किस तरीके से इसको बनाते हैं, और 10 डिजाइन आपके सामने ही बनाई जाएंगी और काफ़ी अच्छी लगेंगी। आप मेहंदी से भी ड्रॉ करेंगे और इससे भी मेहंदी से बल्कि और खूबसूरत लगती है डिजाइन, क्योंकि हमारी डिजाइन खिलकर आती है। और देख रहे हैं अभी तक जो क्लियर नहीं हो रहा था वो हमारा आसानी से क्लियर हो जा रहा है। और अभी हम जैसे ऊपर साइड होता है हम नॉर्मली फिल करते हैं, जैसे भर देते हैं मेहंदी को निकाल कर नॉर्मली उंगली से, बट अभी हम आपको बताएंगे कि क्रिस क्रॉस होता है, क्रिस क्रॉस करने से हमारी मेहंदियाँ और अच्छी लगती हैं, बट ब्राइडल में क्रिस क्रॉस नहीं अक्सर बनाई जाती हैं। लेकिन अगर हम अरेबियन मेहंदी लगाते हैं, कुछ लोग को भरना नहीं पसंद होता है, जैसे हम जहाँ पर लास्ट में भरते हैं वहाँ पर जहाँ खाली स्पेस आपको दिख रहा है वहाँ पर लोग सोचते हैं भरने को, लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे होते हैं जो सोचते हैं मतलब खाली रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, उनके लिए भी एक ऑप्शन है। अगर आप क्रिस क्रॉस कर लेंगे तो उसमें भरा भी दिखाई देगा और खाली भी दिखाई देगा, तो हमारी मेहंदी और खूबसूरत लगने लगती है। यही होता है अलग अलग बनाने का स्टाइल, जिससे मेहंदियाँ उभर कर आती हैं। डिजाइन तो सारे बना लेते हैं नॉर्मली, फूल पत्ती तो अक्सर लोग बना लेते हैं, तो इसके अनुसार तो मेहंदी हर कोई लगा सकता है, बट नहीं, उसका तरीका पता होना चाहिए किस तरीके से लगेगा, कितना गैप रहेगा, कहाँ कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है, वो डिपेंड करता है। वो चीज़ें अगर हमें पता होंगी तभी हम अच्छी मेहंदी, ये खूबसूरत मेहंदी ड्रॉ कर सकते हैं।
इसलिए आप लोग मेहंदी को ज़रूर देखें और कैसे क्या बनाया वो चीज़ ध्यान दें। जैसे हमारी मेहंदी में होता है वो चीज़ गैपिंग रहे मेहंदी में तो बहुत खूबसूरत मेहंदी लगती है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें एंड वीडियो बीच में ना एंड करें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप लोग को। लास्ट तक देखें, आप लोग को सारा सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी हम आपको नॉर्मली एक एक चीज़, जैसे हम आपको कल फ्लावर को फिल करना, सॉरी नॉर्मल डिजाइन थी हमारी पत्तियों के द्वारा बनाई जाती हैं जो हमारी यूरोपियन मेहंदी में मतलब यूज़ ही होती हैं, अक्सर यूज़ होती हैं, उसको फिल करना बताए थे। आज उंगली फिल करना बताएं और कल हम आपको फ्लावर का जो सीड देते हैं जो हमारी अरेबियन मेहंदी में अधिकतर लगाई जाती है उसको हम देना बताएंगे। हमारी सेवन्थ क्लास उसी की रहेगी, आज सिक्स क्लास है। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, हर चीज़ें अच्छी लगेंगी और आपको समझ में भी आएंगी। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।